हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी आलू के पकोड़े। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए। तो पहले तो हम आलू को अच्छे से कुरच लेंगे इसमें। तो देखिए, इस तरीके से हमें बाकी के आलू को भी अच्छे से पीस लेना है। तो इस तरीके से मैंने आलू को अच्छे से बारीक कर लिया है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे और इसका जो चिकना पानी है वो पूरी तरीके से निकाल लेंगे। तो पूरा सूखा करना है पूरा आलू का ये। तो आलू का सब पानी निकाल के अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें इस तरीके से इसको ड्राई कर लेना है जितना हो सके। उसका पूरा पानी जो है हमें निकाल लेना है और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, तो हमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है इसमें। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, मैदे को भी 2 चम्मच ही डालना है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, हम इसको 2 चम्मच ऐड कर लेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने मिर्ची ली है, हरी मिर्च हम डालेंगे, हरी मिर्च, धनिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया, अभी इसमें तेल डालेंगे। अभी हम इस तरीके से शेप बना के इसको डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और हमारी गैस की फ्लेम है जो वो कम मीडियम ही रखनी है ताकि हमारे जो पकोड़े वो ना जल जाए इसलिए, और अच्छे से पके। देखिए, हमारे जो पकोड़े वो रेडी हो गए। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो ये थे हमारे क्रिस्पी आलू पकोड़े। जैसे कि बारिश का मौसम चालू है तो प्लीज ये घर पे जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।